नमस्कार साथियों, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि आप सब मेरी ताकत हैं। और इस 2022 में जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है, उन्हें मैं एक सड़क सुरक्षा का टीका दे रहा हूं, यानी कि हेलमेट आपको एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये गिफ्ट उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज ले रखी है। आपको पता है कि भारत सरकार ने 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का टीका हर सेंटर पर ला दी हुई है। तो जिन साथियों को ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं, आप उन साथियों तक भी मैसेज करें, ताकि जिस महामारी से बचने के लिए हमने पहली डोज ले रखी है, उसी तरीके से हमें सड़क दुर्घटना की महामारी से भी बचनी है। यानी कि सड़कों पे आपकी उम्र अगर 18 वर्ष है तभी आप गाड़ी टू व्हीलर चला सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमेशा हमारे युवा जोश में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अंकर डर नहीं होता है, और उस डर न होने की वजह से हम सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष लाखों परिवार के घर के चिराग खो दे रहे हैं। जो माता पिता भी आपकी फीस की जिम्मेदारियां, बहुत सारे नैतिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं, जो उसको पूरा करने के वजह में वो भी सड़क सुरक्षा के नियमों को भूल जाते हैं और आपको हेलमेट नहीं दे पाते हैं, तो उन माता पिता से भी मेरा आग्रह है कि हमारे helmetmanindia.com के साइट पे एक गो साथी गो का ऑप्शन है, वहां पर जाए 1 फरवरी से अपना जो कोविड वैक्सीनेशन का जो टीका है उसका सर्टिफिकेशन और आधार कार्ड जरूर उस पर दें, ताकि मैं आपको हेलमेट दे सकूं। और उसमें हमारी जो 11 तारीख को 11 फरवरी को लिस्ट भी जारी होगी और मैं बच्चों को हेलमेट्स भी देना चालू करूंगा। तो इस बार helmetmanindia.com के साइट पर जाकर के अपना नाम जरूर लिस्टेड करें और अपने आसपास के समाज को भी आप बेहतर बदलाव लाने के लिए उन्हें भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारे और आपके यूथ के ऊपर ही तो जिम्मेदारियां हैं देश को बदलने के लिए। अगर हमने कोरोना को हराया हुआ है तो भारत में जिस तरीके से सड़क दुर्घटना को भी हम हराएंगे, हम तभी हरा पाएंगे जब हमारे बीच जागरूकता बढ़ेगी। वो जागरूकता तभी बढ़ पाएगी जब हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो हमें पता है कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है, तो आप जरूर भारत को सड़क दुर्घटना से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले 8 सालों से जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, कहीं ना कहीं आप भी मेरी लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। तभी तो हमारे आपके बीच एक मोहब्बत, एक रिश्ता कायम है, और इस रिश्ते को मैं पिछले 8 सालों से निभा रहा हूं। तो इसीलिए मैं गो साथी गो पे मैं सबको चाहता हूं कि उन बच्चों को वो सभी लोग जाए जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है 2022 में, तो मैं उन्हें एक हेलमेट गिफ्ट करूं। और इस मिशन में मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ बने। ये साथ, ये लड़ाई एक हमारी इंडिविजुअल नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। आपको पता है कि हम सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से ऐसे सड़क दुर्घटनाओं पे बहुत सारे ऐसे वीडियो और फोटो देखते हैं जो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच हमने शमशान घाट पे जो लाशें चलते हुए देखी और उस परिवारों को जो चीख पुकार देखी, वो पुकार हम विश्व के पहले स्थान पे हमारे भारत में सड़क दुर्घटना से हो रही है। शायद हम हर कोई ऐसे दुख को हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो परिवार भी जो अपनों को खो देता है कभी इसके लड़ाई के लिए आगे नहीं आ पाता है। लेकिन मैं 2014 में अपने एक मित्र को, जिगरी मित्र को खोया था, जो मेरा रूम पार्टनर हुआ करता था, और उसको तब से मैंने एक शपथ ले लिया कि मैं अपने मित्र की तरह किसी और को नहीं खोने दूंगा, और उस जिम्मेदारियों को मैं आज भी निभा रहा हूं आप सबके बीच। और उसी चीज को लेकर के मैं 1 फरवरी से मैं आप सबके बीच आ रहा हूं। आप अपना नाम लिस्टेड करें और हमारा हेलमेट्स देने का अभियान हमेशा निरंतर जो चलता रहता है वो उन बच्चों को, ताकि एक पता हो कि 18 वर्ष के ही उम्र में हमें सड़कों पे गाड़ी चलानी चाहिए, और इस जो जागरूकता की, अवेयरनेस की, कानून की, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, आपके माँ पिता भी जो भी हैं वो भी बेफिक्र रहें ताकि आपको चलान से बचें, और हमेशा सड़क पे टू व्हीलर सवारी करते समय दोनों ही सवारियां को हेलमेट इस्तेमाल करनी है, तभी हम इस जिस तरीके से हमने कोरोना वैक्सीनेशन का हमने टीका ले रखा है उसी तरीके से हेलमेट से हमारी सुरक्षा हो पाएगी। धन्यवाद।